खबर आपको बता रहे हैं डोंगरगांव से, जहां पर रोजगार गारंटी कार्य में बता दें कि लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर निर्माण एजेंसी ने स्वीकृति क्षेत्र में बाहर निजी भूमि पर कार्य शुरू कर दिया। इसकी शिकायत भूस्वामियों ने विभाग से की, जहां विभाग ने मामले में कार्रवाई की जगह अन्य दफ्तरों का रास्ता बता दिया। मीडिया कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद जनपद सीईओ और कार्यक्रम अधिकारी की संयुक्त टीम कार्यस्थल पहुंची। दरअसल बांध गहरीकरण के नाम पर किसान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत और मुआवजे की मांग के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये आपका भाई 440 बटा एक और 440 बटा दो का लगाने की जमीन है। यहाँ काम लगाने का काम किया जा रहा है, तो हमें विवादित इसका आवेदन लगा के हम काम को ये कर रहे हैं। हमें शासन के मुआवजा मिले या तो जमीन मिले। जमीन अच्छा, किस साल से मांग कर रहा तो आप? यहाँ 2 साल हो गए, 2-3 साल, 2-3 साल हो गए मांग करा सो, मन न परेशान करा थे। ये आवेदक है, ये पिछले साल भर से 2-3 बार मेरे पास गया था कि मेरा चिद्दों में 444/2 89 डिसमिल जमीन मतलब तार बांध में मतलब बना बन गया है, और उसको मैं कब्जा करूंगा या मुआवजा के लिए दो प्रकार का आवेदन लेके 2-3 बार गए थे मेरे पास। तो इनका आवेदन को पहले मैंने परीक्षण किया, उसके बाद मैंने सिंचाई विभाग का है करके खुद लिखा, तो उसको मैं सिंचाई विभाग भेज दिया था। वहाँ से अभी तक इसका जवाब तो नहीं आया है। अगर वहाँ सही आपका वो है तो उसमें अगर सरकारी काम हो रहा होगा तो उसको हम तत्काल रोक लगाएंगे। ग्राम पंचायत में पता चला है कि वहाँ पर निजी जमीन पर काम कराया जा रहा है करके, हमारा जो काम स्वीकृत हुआ है वो शासकीय खसरे में हुआ है, लेकिन मौका निरीक्षण करने से वहाँ पे बात समझ आ रही है कि निजी भूमि है करके। तो ग्राम पंचायत द्वारा जो खसरा प्राप्त हुआ है, जो भी नियमता कार्यवाही कार्यालय से करनी है वो की जाएगी, और जो भी सरपंच है सचिव है उनके लिए नोटिस जारी किया जाएगा।